नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल त्रिपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको समास के दो भेद बताए थे, अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। आज अपन इस वीडियो में तीसरा समास का जो भेद है कर्मधारय समास, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, समास समास के भेद पहला अपन ने पढ़ा दिया, अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। ये अपन इन दोनों पर चर्चा कर चुके हैं। आगे तीसरा लेते हैं अपन, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी, जैसा कि शब्द से ही मालूम पड़ता है, कर्म कर्म यानी जो जैसा कर्म करता है उसका नाम वैसा ही हो जाता है, लोग उसी कर्म के आधार पर उसको पहचानने लगते हैं। तो यहाँ पर जो समास के अंदर कर्मधारय समास है, तो इसमें जैसे कि कोई नाम होता है या कोई शब्द होता है, उसके आगे विशेषण शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने लिख दिया गाय। अब गाय एक जातिवाचक संज्ञा है। अब इसके आगे मैंने लिख दिया नीली, तो ये क्या बन गया? नीली गाय। क्या बन गया? नीली गाय। तो ये जो शब्द है नीली, ये क्या है? विशेषण शब्द है, ठीक है। और गाय क्या है? एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द। तो इसकी परिभाषा इसी आधार पर होगी। इस आधार पर कैसे होगी? इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा, ठीक है। संज्ञा जो शब्द होता है, तो संज्ञा शब्द एक विशेष्य के रूप में होता है, तो इस तरीके से कर्मधारय समास की परिभाषा है कि इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा विशेष्य होता है, यानी विशेषण प्लस संज्ञा विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। अब हम इसका उदाहरण से देखते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था नीली गाय, ठीक है, काला घोड़ा, ठीक है, और काला घोड़ा और महात्मा, महात्मा चरण कमल, चरण कमल।
तो इस तरीके से ये जितने भी उदाहरण हैं ये सब कर्मधारय समास हैं। तो ये जो शब्द हैं ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? समस्त पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समस्त पद। अगर हम इनका समास विग्रह करें तो क्या बनेगा? नीली है जो गाय, ये इसका विग्रह हो गया। काला है जो घोड़ा, महान है जो आत्मा, महात्मा, चरण कमल, चरण है जो कमल के समान। तो इस तरीके से ये समास विग्रह होते हैं। समास विग्रह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कर्मधारय यानी कर्म, जैसे गाय है नीली गाय, तो ये नीली एक विशेषण शब्द है, गाय की विशेषता बताई जाती है। गाय क्या है? एक विशेष शब्द है। गाय एक विशेष शब्द है और नीली एक विशेषण शब्द है। तो इस तरीके से विशेषण प्लस संज्ञा का जो संबंध होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। अब अगला लेते हैं, द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास में एक पद संख्यावाचक विशेषण होता है, एक पद संख्यावाचक विशेषण होता है, और पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी पहला पद प्रधान और एक पद संख्यावाचक विशेषण। तो चौथा है आपके द्विगु समास। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको लिखूं त्रिलोक, त्रिलोक। तो ये त्रि क्या है? ये एक संख्या सूचक शब्द है, संख्या सूचक। त्रिलोक यानी तीन लोकों का समूह, तीन लोकों का समूह। यानी संख्यावाचक जो विशेषण होता है उसमें संख्या सूचक शब्द होता है और एक समूह के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। त्रिलोक है, चौरा है, और आपके पंचवटी है, त्रिफला है, और चौमासा है। तो इस तरीके से ये जितने भी उदाहरण मैंने बताए हैं ये सब द्विगु समास के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखनी है, इस समास में एक पद संख्यावाचक विशेषण तथा पहला पद प्रधान होता है। चौमासा यानी चार महीने का एक समूह, सप्ताह
सात दिनों का समूह। तो इस तरीके से जिसमें संख्या प्रदर्शित की जाती है तो वहाँ पर ये द्विगु समास होता है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई द्विगु समास की। अब लेते हैं हम पांचवा है आपके द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास का मतलब होता है कि दो शब्द जो होते हैं दोनों ही शब्द प्रधान होते हैं, यानी दोनों ही पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। तो पांचवा लेते हैं अपन द्वंद्व समास। द्वंद्व द्व द्व और द्व और बीच में अदन्य है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर और इधर दोनों शब्द क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। अदन्य का मतलब क्या होता है योजक चिन्ह। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा माता पिता, यानी दोनों का पद बराबर है और बीच में योजक चिन्ह द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है, तो ये बन गया समस्त पद। अगर हम इसका समास विग्रह करें तो क्या लिखेंगे, माता और पिता, ये हो गया इसका समास विग्रह। ठीक है, इसी तरीके से दिन रात, दिन रात, दिन और रात। ठीक है, भाई बहन, इसमें अपोजिट विलोम शब्द भी प्रयोग में आते हैं, जैसे दिन का रात विलोम शब्द है, भाई बहन माता पिता ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ठीक है, और ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग और यहाँ पर विलोम शब्द, तो ऐसे जो शब्द होते हैं द्वंद्व समास कहलाते हैं, भाई और बहन। इनमें क्या होता है कि जो ये शब्द होते हैं और, तो ये यथा एवं भी जोड़ सकते हैं इसमें, और तथा या और भी इसमें शब्द होते हैं, या भी लिख सकते हैं तथा, ऐसे शब्दों के द्वारा इनका क्या होता है समास विग्रह होता है। तो इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखनी है इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय एवं तथा और शब्द लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी परिभाषा हो गई द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करते समय एवं तथा और शब्द बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे दिन रात और तो और शब्द है वो, इससे ये क्या हो गया समास विग्रह हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से और भी शब्द होते हैं जो आप अपने किताबों के अंदर, हिंदी की किताब है उसमें काफ़ी ऐसे शब्द मिल जाते हैं, तो उनको ढूंढ कर आपको लिखना है।
अब आगे चलते हैं लास्ट इस समास का भेद, जिसको कहते हैं बहुव्रीही समास। बहुव्रीही समास में क्या होता है कि इसमें इसका अपोजिट होता है, द्वंद्व समास जो होता है इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो बहुव्रीही समास में क्या होता है, दोनों पद यानी दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी अन्य जो कोई पद होता है तो उसमें संज्ञा का विशेषण होता है, अन्य पद जो भिन्न होता है उनसे वो संज्ञा का विशेषण होता है, तो वो होता है बहुव्रीही समास। तो छठा है बहुव्रीही समास। तो मैंने बताया था कि द्वंद्व समास के अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि बहुव्रीही समास में इस समास में समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अन्य पदों से भिन्न, अन्य पदों से, या अन्य अपने लिख दो, अपने पदों से, अपने पदों से भिन्न, अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है। ठीक है, तो उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे दशानन, ठीक है, ये आपके पास समस्त पद है, समस्त पद दशानन, तो दस है जिसके आनन, आनन यानी सिर, दस है जिसके आनन, यानी ये समास विग्रह दस है जिसके आनन। अब ये अपने पदों से अन्य, अन्य कोई शब्द निकल के आता है जो संज्ञा का विशेषण होता है, यानी दस है जिसके आनन, यानी दस किसके सिर होते हैं, रावण के, तो यहाँ पर रावण क्या हो गया, एक संज्ञा विशेषण शब्द बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही पीताम्बर, पीताम्बर, पीला है, पीत मतलब क्या होता है, पीला, पीला है जिसका, अंबर यानी वस्त्र, पीला है जिसका वस्त्र, तो पीला है जिसका वस्त्र, यानी पीले वस्त्र कौन से भगवान पहनते हैं, विष्णु, या कृष्ण भी लिख सकते हैं, विष्णु पीले हैं जिसके वस्त्र, कृष्ण भी लिख दो, कृष्ण, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीले हैं जिसके वस्त्र अर्थात कृष्ण, ठीक है, तो आप एक ही लिख दो कृष्ण, ठीक है। अब जैसे कि और भी उदाहरण है, जैसे चतुर्भुज, चार हैं जिसकी भुजाएं अर्थात विष्णु भगवान, और भी हैं जैसे कि क्या नाम है इसका, लंबोदर, लंबोदर किसको कहते हैं, लंबोदर किसका पर्यायवाची है, गणेश जी का, तो लंबोदर, लंबोदर, लंबा है जिसका
उदर, उदर यानी धड़, जो धड़ होता है उसको कहते हैं उदर। लंबा है जिसका धड़ तो वो है गणेश। तो इस तरीके से ये क्या है, संज्ञा विशेषण, और ये समास विग्रह, और ये समस्त पद। तो और भी कई उदाहरण हैं जो आपके पाठों में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपके इस समास का आज समापन हुआ। अगले वीडियो में मैं आपको हिंदी व्याकरण का जो भी भाग है उसको मैं बताऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।